नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें कंप्यूटर हिस्ट्री और जनरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो है एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पंच कार्ड को किसने बनाया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, हरमन होलरिथ नाम के एक व्यक्ति ने सन 1801 में पंच कार्ड को बनाया था। दूसरा प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया था? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, मैं आपको बता दूं, दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर जो है ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया ऑप्शन सी, जो वैक्यूम ट्यूब है उसका इस्तेमाल प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया गया था, और जो आपकी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें इस्तेमाल किया गया था आईसी का, जिसका फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अलावा जो आपकी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें हम VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट ठीक है सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया था चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। तीसरा प्रश्न है, एनियाक कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका एनियाक है, एडवेक है, एडसेक है, तो ये जो इस तरह के जो कंप्यूटर है जो ई से स्टार्ट होते हैं ये सारे के सारे आपके पहली पीढ़ी से संबंधित हैं। चौथा प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। इसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपके 0101 इस तरह के कोड का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तरह के प्रोग्राम को लिखने के लिए। पांचवा प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर एनियाक में कितनी वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था? तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था आपका वैक्यूम ट्यूब, और टोटल जो उस कंप्यूटर के अंदर कितनी वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, उसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हीट यानी कि गर्मी पैदा करता था। ये जो वैक्यूम ट्यूब थी ये एक तरह के लाइट बल्ब की तरह होती थी। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ईबुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है SSC, रेलवे, बैंक, DRDO, CCC, ITI कोपा ट्रेनिंग ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को, जहाँ पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000+ क्वेश्चन जो की पुराने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो, तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ईबुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। छठा प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए। सातवां प्रश्न है, इंटेल माइक्रो प्रोसेसर 4004 कब बनाया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो आपका इंटेल माइक्रो प्रोसेसर है उसका निर्माण सन 1971 में किया गया था, और यह जो माइक्रो प्रोसेसर है यह दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर माना जाता है। आठवां प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में स्टोरेज के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था? तो स्टोरेज के लिए जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। नौवां प्रश्न है, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो आपका क्रे 1 है वह दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कहलाता है। दसवां प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दुनिया का पहला आपको मालूम है क्रेवन है, तो यहाँ पर आपसे भारत का सुपर कंप्यूटर पूछा गया है, तो यहाँ पर भी जो आपका ऑप्शन ए है वो सही है, जो आपका परम 8000 है, परम 8000 जो कंप्यूटर है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहलाता है। ग्यारहवां प्रश्न है, KIPS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, KIPS का मतलब है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। जो आपके जापान के लोग हैं वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स को जो है KIPS के नाम से बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उनके अंदर जो है आर्टिफिशियल जो है लैंग्वेज उसका इस्तेमाल किया गया था, जिसमें क्या होती थी इंसान की तरह सोचने की क्षमता होती थी एक कंप्यूटर के अंदर, इसलिए इसे जो है नॉलेज इंफॉर्मेशन यानी उसके उसके अंदर नॉलेज दी गई है जिसके आधार पर वो प्रोसेसिंग कर सकता है। ठीक है, इसीलिए जापान के लोग पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स को KIPS कहते हैं। बारहवां प्रश्न है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कब बनाया गया था? जो आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके एप्पल के लैपटॉप या कंप्यूटर्स में इस्तेमाल
किया गया था, तो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया था? उसे बनाया था एप्पल कंपनी के जो फाउंडर हैं वो हैं स्टीव जॉब्स। उन्होंने इस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को सन 1984 में बनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सी लैंग्वेज को किसने बनाया था या फिर उसको खोजा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, डेनिस एम रिजी नाम के व्यक्ति ने जो है सी लैंग्वेज को बनाया था। और इस सी लैंग्वेज के माध्यम से हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सभी सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज के माध्यम से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटराइज पेट्रोल पंप कहाँ पर खोला गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो भारत की माया नगरी कहलाती है यानी कि मुंबई, वहां पर भारत का पहला कंप्यूटर से चलने वाला पेट्रोल पंप लगाया गया था। अगला प्रश्न है, मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर हम चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, वहीं अगर मदर ऑफ कंप्यूटर आपसे पूछ लिया जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, लेडी अगस्टा एडा को हम जो है मदर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर या फिर मॉडर्न कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर साइंस का पिता किसे कहा जाता है? तो अगर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो, आधुनिक कंप्यूटर का पिता या फिर मॉडर्न कंप्यूटर का पिता या फिर कंप्यूटर साइंस का पिता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो आपके एलन ट्यूरिंग हैं उन्हें हम जो है कंप्यूटर साइंस का पिता या फिर मॉडर्न कंप्यूटर का पिता भी कहते हैं। और चार्ल्स बेबेज को आप सभी जानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड की खोज किसने की थी? जो आप कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसे हम जो है एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस बोलते हैं कंप्यूटर का, तो उस कीबोर्ड की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो आपके क्रिस्टोफर लैथम सोल्स हैं उन्होंने कीबोर्ड की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना कैलकुलेटर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो आपका अबेकस है उसे हम दुनिया का सबसे पुराना कैलकुलेटर कहते हैं, जिसकी खोज कहाँ पर हुई थी? चाइना में हुई थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो आपके जापानीज हैं यानी कि जापान के जो लोग हैं उन्होंने इस अबेकस के अंदर अपग्रेड किया और अबेकस से बना दिया उन्होंने सोरोबैन। अगला प्रश्न है, जॉन मोसेली और जे फ्रिस्फर इकर्ट ने मिलकर किस कंप्यूटर को बनाया था? तो इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर जो आपकी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है जिसे हम एनियाक बोलते हैं उस कंप्यूटर को इन दोनों ने बनाया था। 20वां प्रश्न है, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो आपके विलियम शॉकले हैं उन्होंने ट्रांजिस्टर की खोज सन 1947 में की थी जब भारत आजाद हुआ था। 21वां प्रश्न है, आईसी की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो आपके जैक किल्बी हैं उन्होंने आईसी की खोज की थी। और आईसी का इस्तेमाल तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी के तौर पर किया गया था, और जो आपके ग्राहम बेल हैं उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। 22वां प्रश्न है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो आपके डगलस एंजल बार्ट नाम के व्यक्ति हैं उन्होंने पहली बार कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका कंप्यूटर माउस है वो एक तरह का पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस भी कहलाता है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।